टू प्रवीण कॉज वर्ल्ड अज की वीडियो दे विच आपां डिस्कस करांगे जनरल इंग्लिश क्लास 12th द स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर। देखो जिहड़े सितंबर दे विच एग्जाम्स होने ने ते जिहड़े फाइनल एग्जाम्स होने ने उन्हां दा जिहड़ा पैटर्न है बिल्कुल सिमिलर होएगा बिकॉज इन सितंबर वी अपने मिड टर्म्स ने ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਸੇਮ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੈਸੇਜ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਅਨਸੀਨ ਪੈਸੇਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ? ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕੀਏ। 6 ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਪ ਚੋਇਸ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 4 ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ। ठीक है, फिर उस तो बाद आजूगा एक अनसीन पैसेज फ्रॉम कॉम्प्रीहेंशन जिहदे विच दो एमसीक्यू होंगे, दो सिंगल लाइन कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन होंगे ते वन क्वेश्चन होएगा ऑन फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, वन क्वेश्चन ऑन मैच द वर्ड्स। ठीक है, तो ये सीगा 6 मार्क्स का सैकेंड कॉम्प्रीहेंशन होएगा, 10 मार्क्स का थोड़ा फर्स्ट। हूँ ये भी आप प्रैपरेशन करांगे बट इनू सब तो लास्ट के प्रिपेयर करो बिकॉज ये कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा ईजी होंगे तो कई बच्चे इन पढ़ के भी नहीं जाते, एग्जाम के ही अटैम्प्ट करते हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लाइक प्रैक्टिस इट सिंस अवर जूनियर क्लासिज। सो अगे चलते हैं सैक्शन बी ते। सैक्शन बी दे विच सब तो पहला प्रेसी राइटिंग, ये आनी है 4 मार्क्स की। ये मैं अपने चैनल पर कवर नहीं की बट आई विल मेक श्योर के पेपरों तो पहला एग्जाम्स तो पहला आई विल कवर इट, यू कैन वॉच। फिर उस तो बाद है लैटर राइटिंग, ओनली ऑफिशियल बिजनेस टू द एडिटर और एप्लीकेशंस। ठीक है, ये 1 आउट ऑफ 2 करने ने, दो दिते होंगे उन्होंने चो कोई एक करना है तो 5 मार्क्स का आना है। उस तो बाद है एक्सप्लेनिंग न्यूज़ पेपर हैडलाइन, अपन कोई हैडलाइन दी होएगी उसनों एक्सप्लेन करना है। इस दे ऑप्शन दे विच थोनों ईमेल राइटिंग का ऑप्शन दिता होएगा, तुसी वो भी अटैम्प्ट कर सकते हो। फिर उस तो बाद है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी और हिंदी और ट्रांसलेशन फ्रॉम पंजाबी और हिंदी टू इंग्लिश, ये दोनों दो दो नंबर के आएंगे। मीनस आई थिंक के दो दो आ सकते हैं या फिर एक एक दो दो नंबर के आ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, तो ये भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, डोंट वरी। बिफोर द एग्जाम्स आई विल मेक श्योर कि सारा जिहड़ा मिड टर्म्स के सिलेबस आना है वह अपलोडेड हो गए। उस तो बाद ग्रामर के अपने को है डिटर्मिनर्स नॉन फाइनाइट्स के यूजेस। ठीक है, ब्लैंक्स आ सकते हैं इस दे बेस्ड, ये इनफिनिटिव्स जेरंड्स पार्टिसिपल्स, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसिस वॉइस ते नरेशन। ये सिर्फ आपां नूं 10 मार्क्स दे आउणी है, 3+2+2 तुसीं इत्थे दा टर्मिनस 3 मार्क्स दे ने, यूज ऑफ नॉन फाइनाइट्स 2 मार्क्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस 2 मार्क्स, वॉइस 2 मार्क्स ते नरेशन ओनली 1 मार्क। फिर सैक्शन सी दे विच आपणे कोल लिटरेचर टैक्सट बुक आ जांदा, इहदे विच 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होणगे जिन्हां दा एक एक नंबर होएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इंक्लूड क्वेश्चन विद 1 वर्ड और 1 सेंटेंस और फिल इन द ब्लैंक और ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो सकता है, मतलब फिलअप भी हो सकता है, एमसीक्यू भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप। फिर आएंगे लेसन्स मेंट फॉर इंटेंसिव स्टडी तो लेसन्स मेंट फॉर एक्सटेंसिव स्टडी। ठीक है, ये दोनों चो 5-5 मार्क्स का आएगा अपने कोल जिहड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंटेंसिव तो 5 ही एक्सटेंसिव तो। फिर उस तो बाद आ जाएगा कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन ऑन गिवन स्टैंजा फ्रॉम पोएट्री, 4 क्वेश्चन इंक्लूडिंग अ नेम ऑफ द पोइट, इन्होंने पहले ही दसता भी किस तरह का आ सकता है, पहला तो नेम ऑफ द पोइट आएगा। फिर उस तो बाद पूछा जा सकता है कि राइम स्कीम केड़ी है, तो दो आपां स्टैंजे दिते होंगे उस एक अटैम्प्ट करना है, तो पोएम्स आपां चंगी तरह करके जावांगे बिकॉज वो पक्का ही आना है क्वेश्चन 4 मार्क्स का। तो कोई भी सेंट्रल आइडिया आपां आ सकता है, दो आपां ऑप्शन दिते होंगे उस आपां ने एक अटैम्प्ट करना है, तो दिस इज फॉर 3 मार्क्स। ओके, फिर अगे चलते हैं 3 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन ऑफ अबाउट 40-50 वर्ड्स फ्रॉम इंटेंसिव स्टडी, 5 क्वेश्चन दिते होंगे उस 3 अटैम्प्ट करने ने आपां ने, तो जड़े क्वेश्चन ने ये दो दो नंबर के होंगे। ओके, तो 6 मार्क्स पाएंगे। फिर उस तो बाद 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऑफ अबाउट 40-50 वर्ड्स फ्रॉम एक्सटेंसिव स्टडी, पहला इंटेंसिव तो आए फिर एक्सटेंसिव तो, डोंट वरी वी विल प्रिपेयर। ओके, फिर उस तो बाद आ गए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑन थीम इंसीडेंट कॉन्टेंट करैक्टर करैक्टर स्केच आ सकता है इंटेंसिव स्टडी चो,
ते फिर सेम ही एक्सटेंसिव स्टडी, तो दोनों थ्री थ्री मार्क्स दे, ठीक है। फिर उस तो बाद गुड हैंड राइटिंग दे 5 मार्क्स ने, तो अपनी मेक श्योर करियो कि हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो। ते बुक्स आप यूज करनी ने रेनबो ऑफ इंग्लिश, तो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन फॉर 11th एंड 12th। फिर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी पंजाबी एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी और पंजाबी टू इंग्लिश फ्रॉम चैप्टर 18 द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन गिवन इन द बुक इंग्लिश बुक ग्रामर एंड कंपोजिशन फॉर क्लास 11th एंड 12th। एड्रेस दसिया होया कि तुम कितों लभ सकते हो, ठीक है। तो दिस वॉज द पेपर पैटर्न, आई होप कि थोड़ा समझ आ गया। मैं PDF कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन के पा दा, तुम प्रिंट आउट करवा सकते हो या फिर सिर्फ देख भी सकते हो, नोट भी कर सकते हो अपनी नोटबुक से। मैं टैलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूँगी हूँ वीडियोज़ की, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी आन तो थोड़ी हेल्प हो जाए इंग्लिश के एग्जाम के। और अपना मिशन किन्ना है 100 out of 100, लाइक 80 out of 80, 20 मार्क्स तो टीचर के हाथ के विच ने, तो मेक श्योर करो तुहानू वो भी मिल जाए। बिहेव वैल एंड कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, बी कंसिस्टेंट एंड अपनी अटेंडेंस नू पूरा रखो, तो वो भी मिल जाएंगे। बट जो अपने हाथ चाहे 80 मार्क्स, वो आप 80 out of 80 ही अचीव करने। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।